जैसा कि चैट जीपीटी ने गूगल वालों को जीना हराम किया हुआ था ओपन के चैट जीपीटी ने बहुत ही टफ टाइम दिया और साथ उसके बिंग भी शामिल हो गया लेकिन गूगल वाले भी पीछे कैसे रहने वाले थे गूगल जैसे कि टेक इंडस्ट्री का जाइट है उसने भी रेड कोड बहुत अरसा पहले का जारी कर दिया हुआ था जैसे ही चैट जीपीटी रिलीज हुआ बिकॉज चैट जीपीटी ने आते ही 100 मिलियन यूजर्स कैप्चर कर लिए विद इन मंथ जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और ये गूगल वालों के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था इसलिए उन्होंने भी फोरन से ए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जो की बहुत अरसा पहले से कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने अपना ऑफिशियली चैट बोर्ड रिलीज कर दिया है जो है गूगल बार्ड जो के डायरेक्टली टक्कर देने जा रहा है चैट जीपीटी को देखिये गूगल बार्ड के मार्च को हुई थी जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं थी लेकिन अब पंद्रह मई से जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है और अब चैट बोर्ड को यूज कर सकते हैं अच्छा, जिन लोगों को ओपन एयर के चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड का नहीं पता मैं उनको बताता चलू ये एक चैट बोर्ड होता है इससे आप कोई भी कमांड देते हैं तो इसका आंसर करता है अनिशली ये दोनों टेक्नोलॉजी लैमडॉक के ऊपर काम कर रही है जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल लेकिन गूगल बहुत ज्यादा गूल बार्ड को इससे ऊपर वाली टेक्नोलॉजी पार्ट के ऊपर शिफ्ट कर देगा जो कि बहुत बड़ा पैरामीटर है चैट 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 जीपीटी 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 और और को को भी ये टक्कर देगा तो वीडियो शुरू करने से पहले GPT से पहले कि कि गूगल गूगल बार्ड बार्ड कैसे बेहतर है मैं आपको बताता चलूं के चैट, GPT और आप लोगों की किस तरह हेल्प करेंगे देखिए अगर आप स्टूडेंट है तो आप इससे बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बेहतरीन किस्म के ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंट स्टोरीज की समरीज लिख सकते हैं अपने मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हैं अपने एल्गोरिदम किसी भी तरह के आप सोल्व करवा सकते हैं और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीन हैं अगर आप कोडिंग करवाना चाहते हैं तो आप इससे हर तरह के, code, के भी लगवा सकते हैं, से, और जितनी भी रिपोर्ट हैं वो अपलोड करें आपको गूगल बार्ड प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करके देगा कि कौन सी प्रॉब्लम है कौन सा मर्ज है आपके मरीज को और क्या उसका मेडिकल सोल्यूशन है वो भी आपको प्रॉपर बताएगा और इसके अलावा अगर आप कंटेंट राइटर है या कॉपी राइटर है आप इसके थ्रू प्रॉपर ब्लॉग लिखवा सकते हैं प्रॉपर यूनिक किस्म का टेक्स्ट लिखवा सकते हैं अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप इसके थ्रू अपनी वीडियोस की सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं आप बहुत ज्यादा इन चैट बोर्ड से काम ले सकते हैं यानी कि जो भी आपके माइंड में हो आपको किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है सिंपली इसके ऊपर आए अपना क्वेश्चन यहां पर टाइप करें आपको प्रिसाइज तरीके से सेम जो आप चाहते हैं उसी तरीके का आपको आंसर मिल जाएगा सो so, बहुत ही अमेजिंग होने वाली ये वाली टेक्नोलॉजी so, के वीडियो आप इसको देख सकते हैं। और गूगल बार्ड के बारे में बताने जा रहा हूं फर्स्ट वेबसाइट है Google, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट विंडो के अंदर लैंड कर जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं बार्ड कैन एक्सप्लेन योर कोड एवरीथिंग थिंग यहां पर थोड़ा सा बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या कुछ कर सकता है यहां पर ये देखिए स्टिल एक्सपेरिमेंट मोड में है फिर भी ये चैट जीपीटी से बहुत एडवांस लेवल वाला है मैं ये किस तरह कह सकता हूं मैंने इसको यूज किया है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह ये चैट जीपीटी से बेहतर है यहां पर ट्राई बार्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है जैसे आप ट्राई बार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह देखिए टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कहेगा यहाँ पर ये देखिए आपने एग्री कर देना है आपके पास सिर्फ अपना जी मेल अकाउंट होना चाहिए कोई पैसा नहीं आपका लगेगा आप डायरेक्टली आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये शिफ्ट कर देगा गूगल बार्ड के अंदर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे चैट जीपीटी कहता था कि मैं हमेशा राइट नहीं होगा आपका फीडबैक मुझे चाहिए यहाँ पर ये देखिए अपडेट होने के लिए यहाँ पर ये देखिए कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट टाइम ये वाली विंडो नजर आ जाएगी यहाँ पर ये देखिए इस साइड के ऊपर इसके मेन्यू नजर आ रहे हैं यहाँ से रीसेट चैट कर सकते हैं यहाँ पर याँ आपकी बार्ड एक्टिविटी जो आप इसके ऊपर एक्टिविटी कर रहे हैं सारी की सारी यहाँ पर नोट होगी इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं एफएक्यूज अपडेट्स वगैरह हेल्थ वगैरह और यहाँ पर ये देखिए यूज डार्क थीम आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम ये डार्क थीम हो जाएगा जैसे कि चैट जीपीटी का होता था लेकिन हम इसको वाइट ही रखेंगे क्योंकि हमने साथ पैरेलल इसके चैट जीपीटी को भी ओपन करना है वो ब्लैक कलर का और ये वाइट कलर का दोनों को हमने सेम प्रॉम्प्ट से नहीं और देखने के किसके बेटर रिजल्ट हैं और हम ताकि इसका कंपेरिजन भी कर सकें सो so, हम इसके ऊपर प्रॉपरली काम करते हैं एक एक प्रॉम्प्ट देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह गूगल बार्ड चैट जीपीटी से बेहतर है ओके सो so, मैंने यहां पर गूगल बार्ड को ओपन किया है और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन किया है सो so, हम यहां पर प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे कि चैट जीपीटी में कौन कौन सी चीजें नहीं है और गूगल बार्ड में कौन सी एक्स्ट्रा चीजें हैं। सो so, सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है कि चैट जीपीटी के पास दो सितंबर तक की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मतलब ये करंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है आप करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन चैट जीपी से नहीं ले सकते लेकिन गूगल बार्ड से आप ले सकते हैं उसकी एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर मैं एक प्रॉम्प देता हूँ आपके सामने मैं इसके सामने यहां पर प्रॉम्प

सो so, मैं सेम इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ गूगल बार्ड से गूगल बार्ड मुझे सेम इफॉर्मेशन सेम प्रॉम्प्ट की प्रॉर्मेशन क्या देता है ये देखिए मैंने पर लिखा कि इंटरनेट क्यों बंद था नाइन्थ मई 2023 को मुझे गूगल बार्ड क्या कहता है यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ जैसे मैंने एंटर प्रेस किया यहां पर ये देखिए यहां पर ये देखिए गूगल बार्ड ने मुझे प्रॉपरली बता दिया कि नौ मई दो को मुलक में प्रोटेस्ट हुआ था गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए हमने इंटरनेट बंद कर दिया था ये वाली सारी रीजन वगैरह आप खुद भी पढ़ सकते हैं So, इसका मतलब कि गूगल बार्ड इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है गूगल के साथ कनेक्टेड है सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेकर करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन हमें फौरन से दे देगा सो so, वो लोग जो चैट जीपीटी में ये चीजें मिस कर रहे थे देखें चैट जीपीटी 4 फोर में ये वाली ऑप्शन अवेलेबल थी कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकता था लेकिन वो पेड वर्जन है चैट जीपी का वो पेड वर्जन है आपको ये सारी की सारी चीजें गूगल बार्ड में फ्री में मिल रही हैं सो so, दो चीजें आपको यहाँ पर समझ आनी चाहिए कि गूगल बार्ड अभी तक बिल्कुल फ्री है चैट जीपी टी फोर पेड वर्जन है चैट जीपी थ्री थ्री पॉइंट फाइव आपको फ्री में मिल रहा है जो कि आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहा है सो so, यहाँ पर दो पॉइंट जाते हैं गूगल बार्ड को आप देख सकते हैं सो so, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये नो मे की इन्फॉर्मेशन थी आज जैसे कि ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे है आज की इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये भी गूगल बार्ड हमें देता है कि नहीं देता इसको कैसे देखते हैं इसको भी हम देख लेते हैं कोई नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम दे लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आज की इन्फॉर्मेशन भी गूगल बार्ड देता है कि नहीं देता उसके लिए हम चले जाते हैं सबसे पहले चैट जीपीटी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि आज डॉलर का क्या रेट है देखिए यहाँ पर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं आज डॉलर का रेट क्या है यानी कि टूडे हम जब लिखेंगे इसका मतलब की आज ट्वेंटी ऑफ मई है आज डॉलर का रेट क्या है हमने यहाँ पर ये लिखा प्रॉम लिखा इसने इस अगेन हमें रिप्लाई कर दिया हम सोरी करके मेरे पास दो सितंबर तक का डाटा है मेरे पास आज की इन्फॉर्मेशन नहीं है सो मैं आज के रेट पाकिस्तान रुपीज का आपको नहीं बता सकता चैट जीपीटी का ये रिप्लाई है सेम क्वेश्चन

इसमें यह भी एक एक्स्ट्रा फंक्शन है कि आपको अगर ये इंफॉर्मेशन भी नहीं पसंद आ रही आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल से कहां से मिलेगी आप यहाँ पर गूगल इट की ऑप्शन नजर आ रही है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी आपको बता देगा यहाँ पर देखिए डॉलर रेट पाकिस्तान टुडे यहाँ पर यह देखिए सारी क्यूरी जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया ये मुझे गूगल की साइड के ऊपर भी ले गया कि यहाँ पर ये देखिए कि गूगल में आज डॉलर का रेट क्या है जो गूगल के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है अमेजिंग फंक्शन है ये फंक्शन आपको चैट जीपीटी में नहीं मिलता यहाँ पर ये यह देखिए इसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है सो so, बेहतरीन से अंदाज में हमें ये चीज़ यहाँ पर पता चली अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसमें और फंक्शंस हैं जो कि चैट जीपीटी के अंदर नहीं है यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन में आपको बता देता हूँ जैसा कि हमें कोई अगर पैराग्राफ पसंद आता था हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी करके देन गूगल डॉक्स के अंदर जाकर उसको पेस्ट करते थे या किसी को ई करना होती थे तो हम इसको ई करते थे लेकिन हम अगर हम गूगल बार्ड के अंदर आते हैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखिए दो ऑप्शंस आपको नजर आ रही है सबसे पहले हम एक्सपोर्ट टू डॉक्स के ऊपर क्लिक करके आपको बताते हैं इसका क्या मतलब है जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया इसने डायरेक्टली गूगल डॉक के अंदर इस सारे के सारे टैक्स को एक्सपोर्ट कर दिया सो so, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे लिखवाते हैं आपको पसंद आती है कोई ऐसे वगैरह लिखवाते हैं कोई स्टोरी वगैरह लिखवाते हैं तो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट डॉक के ऊपर क्लिक करेंगे गूगल बार्ड आपको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके दे देगा सारी इन्फॉर्मेशन गूगल डॉक के अंदर ये इनफॉर्मेशन आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं बहुत अमेजिंग फंक्शन है सेम फंक्शन ये आपको फ्यूचर में मिलने जाएगा सेम यहां से आप इसको गूगल शीट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे सारा का सारा डाटा सो मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूँ गूगल बार्ड के अंदर क्या मुझे एक ई लिख के दे सिक लीव की मेरे बॉस के लिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखिए इसने प्रॉपर मुझे सिक लीव लिख के दे दी एक ई लिख के दे दी बेहतरीन से अंदाज

सारा का सारा ड्राफ्ट दोबारा से लिखवा सकते हैं यानी कि आपको तीन तीन चार चार रिस्पॉन्स इकट्ठे मिल रहे हैं जो कि आपको चैट जीपीटी के अंदर नहीं मिलते वहां पर आपको रिजनरेट करना पड़ता है और यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट वन टू थ्री के ऊपर क्लिक कर सकते हैं यह भी गूगल बार्ड के अंदर ऑप्शन है चैट जीपीटी के अंदर ऑप्शन नहीं है यहां पर यह देखिए क्स बहुत ही मजे की बात यहां पर अगेन एक्सपोर्ट रिस्पॉन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और ड्राफ्ट इन जी मेल जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ये सारी 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 की की आपके में में चली जाएगी जी में आपकी ड्राफ्ट सारी -सारी हो चुकी है यहाँ पर जिसको आपने सेंड करना है आप उसका ई मेल लिखिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लीजिए और डायरेक्टली आप ये ई मेल सेंड भी कर सकते हैं अमेजिंग से तरीके से अच्छा मजे की बात बताते चलो अभी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में वेरी सोन जी मेल के अंदर भी गूगल बार्ड बिल्ट इन आने वाला है आप डायरेक्ट यहां से वन क्लिक करके रिस्पॉन्स लिखवा सकेंगे यहां पर मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं so आपने डायरेक्टली इसको सेंड कर देना आपकी ईमेल सारा सारा का काम हो जाएगा अमेजिंग तरीके से एक और एक्स्ट्रा फंक्शन जो गूगल बार्ड के अंदर है चैट जीपीटी के अंदर नहीं है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूज माइक्रोफोन जी यह फ्रेंड्स यहां पर जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहां, यहां पर ये नजर आ रहा है लिसनिंग यहां पर नजर आ रहा है लिसनिंग यहां पर मैं एक वॉइस बोलता हूँ देखता हूँ वो सेम लिखता है कि नहीं लिखता राइट एन आर्टिकल ऑन कायदे आजम यहाँ पर ये यह देखिए कायद कायदेजम का सारा का सारा यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा जा चुका है सिर्फ मैंने बोला है जो आप बोलेंगे यहाँ पर माइक के ऊपर क्लिक करके ये प्रॉम्प्ट फौरन से पिक कर लेगा यहाँ पर ये यह देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर ये यह देखिए कायद आजम के ऊपर प्रॉपर ये आपको आर्टिकल लिख के दे रहा है सेम एज इट इज आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर ये यह देखिए इसने प्रॉपर तरीके से मुझे सारा एक सारा कायद आजम का रिलेटेड आर्टिकल लिख के दे दिया अमेजिंगली और मजे की बात नीचे ये सोर्स भी बता रहा है देखें अगेन आपको ये वाली ऑप्शन चैट जीपीटी में नहीं मिलेगी कि वॉइस वाली ऑप्शन आप वॉइस कमांड नहीं दे सकते और दूसरे नंबर पे आपको जब भी कोई एक आर्टिकल लिख के देता है चैट जीपीटी टी फोर या थ्री आपको रेफरेंसेस नहीं देता यहाँ यहां पर ये देखिए ये प्रॉपर आपको रेफरेंसेस भी दे रहा है कि सोर्स कहां से इसने इनिशियल डाटा उठाया यहाँ पर ये यह देखे विकीपीडिया का इसने ऑप्शन दिया है इसके ऊपर मैं क्लिक क्लिकता हूँ मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया आपको प्रॉपर ये देखिए विकीपीडिया का लिंक ओपन करके दे रहा है कि इस लिंक से मैंने ये सारा घर आर्टिकल कॉपी किया था गूगल बार्ड ये आपको ऑप्शन दे रहा है सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है उन्होंने रिसर्च करना होती है डिफरेंट वेबसाइट से आप उस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर इसी विकीपीडिया का लिंक कॉपी कर लेता हूं लिंक कॉपी करने के बाद वापस मैं जाऊंगा गूगल बार्ड के अंदर गूगल बार्ड के अंदर जाऊंगा सिंपली मैंने क्या करना है कि यहां पर लिख लिखूंगा समराइज ऑफ़ दिस यानी कि इस जो ये जो मैंने वेबसाइट ली है इसको समराइज करके बताए सिंपल मैंने यहाँ पर इतनी सी कमांड दी जैसे मैं ये कमांड दूंगा यहां पर यह देखिए मुझे प्रॉपर तरीके से मुझे ये समरी उस सारे पेज की ये करके दे देगा बहुत ही जबरदस्त स्टाइल में यहां पर ये देखिए इसने सारी सारी समरी मुझे करके दे दी सो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक अभी तक पहुंच चुके हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और गूगल बार से आप कौन सा काम लेने वाले हैं सो कमेंट्स में जरूर ये बताइएगा ठीक हो गया सो आगे देखते हैं यहाँ पर ये देखिए सारा सारा का पैराग्राफ आपके सामने हो चुका है अगेन आप इसका फर्स्ट ड्राफ्ट ड्राफ्ट सेकंड ले सकते हैं इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं बहुत ही आसान से तरीके से और अगेन आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं गूगल डॉक के अंदर सो नेक्स्ट चीज यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ देखता हूँ कि ये कैसा रिस्पॉन्स करता है जैसे मैंने इसके अंदर मैथेमेटिक्स छोटी सी यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा जहाँ पर ये देखिए इसने प्रॉपर तरीके से मुझे एक्सप्लेन करके बताएगा और इसको सॉल्व करके बताएगा इसका आंसर भी इसने बता दिया ये वाला क्वेश्चन मैंने एक डिफरेंट वेबसाइट से लिया था यहां से लिया था यहां पर ये यह देखिए इसका आंसर सी है यहां पर ये यह नीचे देख सकते हैं और सेम इसने यही आंसर आपको सॉल्व करके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको दिखा भी दिया यहां पर ये यह देख सकते हैं आप सो so, यहां पर मैं लिखता हूं राइट एंड एस टी एम एल कोड यहां पर ये यह देखिए प्रॉपर तरीके से गूगल बार्ड आपको एस टी एम एल कोड भी लेके दे सकता है बेहतरीन से अंदाज में यहां पर ये यह देखिए इसको कॉपी कर लीजिए ये सिंपल सा मैंने ए कोड लिखा है इसके अलावा यहां पर बहुत ज्यादा कोड्स की ऑप्शन अवेलेबल है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यह दे ये देखिए या भाई देखिए गूगल वाले खुद कह रहे हैं कि कोडिंग बहुत बेहतरीन से अंदाज में कर सकता है बाढ़ क्या क्या कर सकता है वो भी आपको बता सकता हूँ कोड जनरेट कर सकता है कोड के अंदर कोई बग वगैरह है वो सॉल्व कर सकता है उसके अलावा एक्सप्लेन कर सकता है कोड को बेहतरीन से अंदाज में और एज वेल एज सी प्लस प्लस और इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट जो भी आप देख सकते ट्वेंटी प्लस लैंग्वेज में ये कोड को जनरेट कर सकता है अमेजिंगली ये वाली ऑप्शन आपको चैट जीपीटी में नहीं मिलेगी ट्वेंटी प्लस लैंग्वेजेस के कोड ये जनरेट कर सकता है गूगल बार्ड इसका मतलब ये जो प्रोग्रामर्स हैं जो कोडिंग करते हैं बहुत ज्यादा हेल्प लेंगे फ्यूचर में गूगल बार्ड से क्योंकि हर तरह की लैंग्वेज आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएगी तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं हम गूगल बार्ड के अंदर देखते हैं कि ये पोएम हमें लिख के देता है कि नहीं देता है पर मैंने किड्स के रिलेटेड पोइम लिखवाई यहाँ पर देखिए बेहतरीन से अंदाज में आपको पोएम भी लिख के दे रहा है सो फ्रेंड्स अमेजिंग 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 यहाँ पर ये यह देखिए मैं अपने बारे में यहाँ से पूछता हूँ हु इज नाइन्टी इस यानी कि मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि नाइन्टी इस आखिर है कौन यहाँ पर ये यह देखिए नाइन्टीस मिनट और पाकिस्तानी यूट्यूबर है ऑनलाइन अर्निंग एफिलेट मार्केट ब्लॉगिंग के रिलेटेड आपको वीडियोज बना के देता है दो लाख पचपन हजार इसके सब्सक्राइबर है टेन मिलियन व्यूज हैं इसके चैनल के कौन रन कर रहा है इसका नेम बिलाल है हेम इन इस्लामाबाद नाइन्टी मेरी डेट ऑफ़ बर्थ का भी इसको पता है लेकिन यहाँ पर इसने एक थोड़ा सा यहाँ पर पैराग्राफ गलत लिखा है कि मेरी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस है जो कि नहीं है क्या मेरी क्वालिफिकेशन इन लोगों को पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी यूनिवर्सिटी का नाम इसने गलत लिखा है लेकिन इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें इसने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की है क्यों ये कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ इंटरनेट से ये इन्फॉर्मेशन लेता है उसको रिफ्रेस करके आपके सामने ही लिख के दे देता है इसके अलावा फ्यूचर में बहुत ज्यादा फंक्शन इंटीग्रेट होने वाले हैं गूगल बार्ड के अंदर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर इमेज इन्फॉर्मेशन भी मिला करेगी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गूगल वालों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने पूछा यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देखिए फ्यूचर में गूगल बार्ड कुछ इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन देगा प्रॉपर उसके टेक्स्ट और उसके साथ इमेज के साथ अमेजिंग तरीके से ये बहुत एडवांस लेवल का होने वाला है गूगल लेंस के साथ भी ये कनेक्टेड हो जाएगा जिससे कि आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन दे सकेंगे सिर्फ उसकी तस्वीर खेन के उसके बारे में सारी की सारी चीजें और मज़े की बात ये वाला जो गूगल बार्ड है ये इंटीग्रेशन कर रहा है Firefly, Adobe के साथ इससे क्या होगा कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे आपको डाली मिट्ट जर्नी की तरह आपके प्रॉम के मुताबिक आपको पिक्चर जनरेट करके देगा इस तरह फ्यूचर में सो so, फ्रेंड ये था कंपेरिजन गूगल बार्ड का और चैट जीपीडी का आपको कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर लग रही है कमेंट में जरूर बताइए चैट जीपीडी थ्री और गूगल बार्ड बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए सो इसको आज ही एक्सेस करें आप जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं बिलीव मी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आई होप गाइज आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी होगी सो इसको थम्स अप जरूर दीजिए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल नाइट इस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू